मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे बुंदेलखंड के बारे में बात करूं तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके मन में आएगी? इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस क्षेत्र को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ेंगे, वहीं कुछ लोग सुंदर और शांत ओरछा के बारे में सोचेंगे, कुछ लोगों को इस क्षेत्र में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी की भी याद आ जाएगी। लेकिन इन दिनों यहाँ कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्साहवर्धक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। पिछले दिनों झांसी में एक महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड? लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लौकी छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वह अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। साथियों, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। साथियों, खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।